आंगनवाड़ी सेविका ने कोरोना काल में हर काम को बखूबी निभाया, जिसमें चिकित्सा के बारे में जन जागृति कर कोरोना काल में अपना कर्तव्य निभाया था। इस कार्य को जागतिक चिकित्सा संगठन की ओर से संज्ञान लिया गया था। भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आंगनवाड़ी सेविकाओं की मांगों को पूरा करने की घोषणा भी की थी, मगर सत्ता परिवर्तन होने से तत्कालीन सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं की मांग की और अनदेखा कर मांगों को निस्तर कर दिया है, जिसकी वजह से पिछले 5 साल से आंगनवाड़ी सेविका का मानधन नहीं बढ़ा गया है। इसके विरोध में आंगनवाड़ी सेविका कुति समिति की ओर से 15 नवंबर 2022 को मुंबई के आजाद मैदान पर भव्य मोर्चा निकाला गया था। तत्कालीन महिला बाल कल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने आंगनवाड़ी सेविका के मानधन में बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन दिया हुआ आश्वासन अब तक पूरा नहीं किया गया। साथ ही 27 दिसंबर 2022 को नागपुर विधानसभा पर भव्य मोर्चा आंगनवाड़ी सेविका की ओर से निकाला गया था, फिर भी महाराष्ट्र शासन की ओर से आंगनवाड़ी सेविका की मांगों को नजरअंदाज कर पूरी तरह से ठुकरा दिया गया था, जिसकी वजह से आखिरकार 20 फरवरी 2023 से आंगनवाड़ी सेविका की ओर से हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया था। इसी के मद्देनजर 20 फरवरी 2023 से महाराष्ट्र में सभी आंगनवाड़ी सेविका हड़ताल पर जाने से और काम बंद आंदोलन करने से आज आम नागरिकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 साल से सेविका के मानधन में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो आज आंगनवाड़ी सेविका के मानधन में बढ़ोतरी करने की मांग आंगनवाड़ी सेविका की ओर से की जा रही है। सुधारित पोषण टैंकर ऐप मराठी भाषा में उपलब्ध कराए, इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 2022 के अनुसार आंगनवाड़ी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, पेंशन माध्यम के 50% की जाए, ऐसी मांग भी है। आंगनवाड़ी सेविका का सालाना 6,000 रुपये किया जाए, आंगनवाड़ी सेविका को मिलने वाला मासिक भाड़े में बढ़ोतरी की जाए, न्याय मोबाइल उपलब्ध कराए और साथ ही आंगनवाड़ी सेविका के रिक्त पदों पर नई नियुक्ति या तत्काल किए जाए। इस तरह की मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका पिछले 5 दिनों से पारशिवनी पंचायत समिति परिसर में आंदोलन कर रही है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने जल्द से जल्द आंगनवाड़ी सेविका की मांगों को पूरा करने की मांग आंदोलनकारी आंगनवाड़ी सेविका की ओर से की जा रही है। आंदोलन में अध्यक्ष शशि काड़े, विठल जुंधरे, आंगनवाड़ी सेविका संगठन नागपुर चंदा मेंढे, महासचिव आंगनवाड़ी सेविका सदरना चंदा मेंढे, राज्य महासचिव प्रीति पराते, शारदा बसेरा, प्रतिमा लांजेवार, सुलोचना पोटभरे के साथ बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी सेविका आंदोलन में उपस्थित थी। आमच्या मुलांचा आहे, आम्ही आमच्या प्रत्येकांना घरची जबाबदारी आहे, की महागाई एवढी वाढलेली आहे की तेवढ्या महागाईच्या काळामध्ये सरत होत नाही आहे काही। आम्ही सरकारला वारंवार सांगूनही सरकारची दखल घेतलेली नाही आहे। शिक्षण देतो आणि त्यांना फरक पडेल ना, आणि गरोदर स्तनदा मातेचा आहार वाटप आहे, त्यांच्या पोषण अभियानाबद्दल आम्ही माहिती देतो, जनजागृती करतो, त्याचप्रमाणे गृहभेटीद्वारे त्यांना आरोग्य गोष्टी सांगतो की पूर्ण वंचित राहणे आहार वाटप न केल्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण वारंवार मीटिंगा घेतलेल्या आहेत समितीने, मंत्रिमंडळाशी चर्चा झाल्याच्यानंतर मंत्रिमंडळाने समोर येऊन सांगितलेलं आहे की ते मानधन वाढवण्याकरिता तयार आहेत, पण शेवटी त्यांनी एक शेवटची तारीख दिली होती की मानधन वाढ करू म्हणून, पण मानधन वाढ त्यांनी 26 जानेवारीला न केली, त्यामुळे आम्ही त्यांना नोटीस पाठवली की अंगणवाडी कर्मचारी हे संपावर जातील, तरी त्यांनी कुठली दखल घेतली नाही, त्यामुळे आम्हाला हे संपाचं पाऊल उचलावं लागलं। गुरुवारीपासून पूर्ण ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये 20 लाख अंगणवाडी सेविका मदतनीस या संपावर आहे। आमची मुख्य मागणी आहे की आमचं मानधन वाढ जे आहे 8,500 रुपये, त्याच्यामध्ये घर चालत नाही, परिवार आम्ही परिवाराचं संगोपन करू शकत नाही, तर कमीत कमी आमच्या मानधनात भरीव वाढ झाली पाहिजे। जर शासनाने तुमच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर आपण हे जे आंदोलन आहे कितपर्यंत आणि कुठपर्यंत चालेल? जेव्हापर्यंत शासन आमच्या या संपाची दखल घेत नाही आणि आमच्या मागण्या ज्या आहेत त्या पूर्ण करत नाही, तेव्हापर्यंत आमचा हा संप अशाच पद्धतीने चालू राहील, आणि समोर जर त्यांनी दखल घेतली नाही तर या आंदोलनाला आम्ही तीव्र करू। तर आपण बघू शकता की यांच्या मागण्या होत्या, या मागण्या जर शासनाने मान्य केल्या नाही तर उपोषण आणि हे आंदोलन असंच सुरू राहणार आहे, आणि यांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी। जर तर येणाऱ्या शासनाच्या त्या योजनामध्ये सहभागी होता, त्या महिला सहभागी झाल्या नाही तर मात्र मुठेल, त्यासाठी इथे आंदोलन सुरू आहे। मी रुपेश खंडारे, BC News, पारशिवनी। याची लिंक पाठवून तुमचं मला हे द्या, काय म्हणते, एक महिला कोणी आहे का इथलं? NBCN News के लिए संवाददाता रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।
आहे।